ठहरिए जरा, कहां चले अभी? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या हुआ, चुनावी चटकारे तो खूब लिए जा रहे हैं। सुनते जाइए। आज जो वक्तव्य दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो, क्या अथॉरिटी है आपकी? आपको कमलनाथ जी ने ऑथोराइज कर दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने कर दिया है, आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हो कि इनको नहीं आने दें? तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत ठेस है, व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है, और जो एक की नहीं है, तीन तीन लोगों की है, तीन तीन लोगों की है। बीते लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़ अब कांग्रेस के टोल नाके पर खड़े चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की निजी पीड़ा है ये, या फिर उपचुनाव से पहले ही दो गुटों में उभरती दिख रही कांग्रेस का चेहरा, जिसमें चौधरी राकेश सिंह खुद को कमलनाथ की पसंद बताते हैं लेकिन खुलकर कहते हैं कि उनकी वापसी में कई रोड़े हैं। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट राकेश सिंह की नाराजगी की खास वजह है, जिसके बाद वे खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, गोविंद सिंह को उनका आना रास नहीं आ रहा। मैं इतने वरिष्ठ नेता के बयान के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनको जो मेरा विरोध भी करना हो वो पार्टी के अंदर करें, पार्टी के स्तर पे करें, प्रेस में आके विरोध करना मैं समझता हूँ कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायोचित नहीं है, किसी के लिए, मैं ही नहीं, किसी के लिए। इधर कांग्रेस से सिंधिया का हाथ थामे बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया क्षेत्र में छूट गए विकास कार्यों का ठीकरा कमलनाथ सरकार के सिर डाल रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, कहानी क्यों नहीं बदल पाई, इसके जवाब में भदौरिया कहते हैं कि उनकी सरकार में सुनवाई ही नहीं हुई। बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, तो उस क्षेत्र में पिछले एक साल में मैंने उत्तरोत्तर बहुत ज्यादा प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हुए, पर जो बड़े मुद्दा थे जैसे अमायन में तहसील का निर्माण करना था, रोन में हमको मंडी का हमने वायदा किया था, नगर पंचायत का वायदा किया था, महगांव में हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का वायदा किया था, गोरमी में कॉलेज का वायदा किया था, तो ये जो मुद्दे हैं ये बड़े मुद्दे थे और ये इससे क्षेत्र का सीधा सा विकास प्रभावित होने वाला था, तो इन मुद्दों की हमारी लड़ाई थी और दुर्भाग्य से उसमें हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। परिस्थितियां इस तरह की बनी कि एक तरफ तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ हमारे नेता का अपमान भी हो रहा था, ऐसी हालातों पे कोई विकल्प नहीं था हमारे सामने। लेकिन जनता भी हैरान है कि अगर सरकार में कांग्रेस के ही विधायक की सुनवाई नहीं थी तो जनता के लिए विधायकी छोड़ देने वाले नेता जी ने इतना समय क्यों लगाया और फैसला सामूहिक क्यों हुआ? चुनाव में तो जनता ये सवाल भी उठाएगी। पिछले 6.5 साल में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कोई विकास नहीं है, बिजली, पानी, सड़क का चुनाव सुना है, जो करो मोदी ने करो, सब मोदी ने किया है, तो मोदी ने करो काम ना करो। ना तो बिजली टाइम पे मिल रही है, ना तो सड़क है, ना कुछ भी नहीं है, पानी फानी की व्यवस्था खराब है। क्या जरूरत है अभी आम आपकी? तो बहुत है हमारे किसान के लिए, ना तो सरसों हमारी मैगी बिछती है, ना हमारे गेहूँ, बहुत परेशानी है बहुत ज्यादा। हालांकि दिलचस्प यह है कि भरोसे की लाठी थामे यहां दोनों दावेदारों ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। ओपीएस भदौरिया तो इस दम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि सिर्फ पार्टी ही तो बदली है, बाकी आपका नेता वही है। उधर चौधरी राकेश सिंह भी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। अब समझिए पेंच कहां कहां है। ओपीएस भदौरिया की उम्मीदवारी लगभग तय है, लेकिन पहले उन्हें बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को डाइल्यूट करना है, उसके बाद जनता के सवालों की झड़ी झेलनी है। राकेश सिंह के लिए संघर्ष पहले टिकट का है, टिकट मिला तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ 24 की चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।